हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। तो बच्चों, आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो इवन, ऑड और प्राइम नंबर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। आपके पास क्लास में चैप्टर्स होगा प्लेइंग विद नंबर्स। तो हमारे पास कई प्रकार के नंबर्स होते हैं और उनकी डेफिनेशन भी अलग अलग होती है। आपने होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, प्राइम नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, डेसिमल नंबर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है, कई टाइप्स के नंबर्स आप यहाँ पे पढ़े होंगे। आज जो मैं अपने इस क्लास में आपको बताने जा रहा हूँ वो इवन, ऑड और प्राइम नंबर्स है, ठीक है। तो जो डाउट्स हैं सारे इसमें आपको क्लियर हो जाएंगे, क्या होते हैं इवन, ऑड एंड प्राइम नंबर्स, ठीक है। डिटेल में हम इस पर डिस्कस करेंगे, तो आप इस क्लास को मिस मत करिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो आज का टॉपिक है हमारा वह है व्हाट इज एन इवन एंड ऑड और प्राइम नंबर। अगर देखा जाए तो यहाँ पे व्हाट इज एन इवन और ऑड ऑफ प्राइम नंबर, अभी फिलहाल सिंगल नंबर की बात करते हैं, ठीक है। हमारे पास कोई एक नंबर है, जैसे सपोज कर लीजिए, मान लीजिए हमारे पास नंबर 2 है, ठीक है। तो ये नंबर कैसा है, इवन है, ऑड है या प्राइम है, इसको बताने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं एंड प्राइम नंबर क्या होते हैं। उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि 2 इज द इवन नंबर और प्राइम नंबर, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम डेफिनेशंस को कवर करते हैं, ठीक है ना। तो इवन नंबर सबसे पहले लेके चलते हैं। तो इवन नंबर का जब हम डेफिनेशन देते हैं, ठीक है, जो हमें अपने बुक्स में डेफिनेशन मिलती है, तो उसमें ये मिलती है कि इवन नंबर्स और दो नंबर्स डेट आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, ठीक है। इवन नंबर्स वे नंबर होते हैं जिनको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम पहले पढ़ रहे हैं इवन नंबर, ठीक है। सबसे पहले हम इवन पढ़ रहे हैं। अगर सपोज करो हमारे पास एक नंबर है 42, ठीक है, हम इससे अगर डिवाइड करते हैं 2 से, तो हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हमने 4 में डिवाइड किया, 2 2 4, रिमाइंडर इज कुछ नहीं आया, यहाँ पे 2 1 2 और ये यहाँ पे रिमाइंडर 0, यानी कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। इस केस में देखा जाए तो 42 इज कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो हमारा जो है क्वेश्चेंट आ रहा है 21 और रिमाइंडर आ रहा है 0, ठीक है ना। इस केस में अगर हम इवन नंबर का डेफिनेशन देखें तो 42 इज एन इवन नंबर, ठीक है ना। 42 जो है वो क्या है, वो एक इवन नंबर है, तो हमारे यहां पे इवन नंबर का डेफिनेशन क्या है, एनी नंबर, सपोज कोई भी नंबर एक्स है, अगर हम उसे 2 से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर है हमारे पास वो हमेशा 0 आना चाहिए, ठीक है, रिमाइंडर हमेशा 0 आना चाहिए। अब कुछ बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं कि रिमाइंडर 0 लाने के लिए वो डिवीजन डेसिमल प्लेस तक भी कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए मैं एक नंबर लेता हूं एग्जांपल के तौर पर 5, ठीक है। अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करूं, तो अगर क्योंकि आप लोगों को डिवीजन डेसिमल प्लेस तक निकालना आता है, तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले आप करोगे 2 2 4, नीचे आएगा 1, फिर आप डेसिमल लगाओगे, यहाँ 0 लगा दोगे और यहाँ लिख दोगे 2 5 10, ठीक है ना। अब इस कंडीशन में भी देखा जाए तो 5 इज कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। तो आप ये भी कह सकते हो कि 5 इज एन इवन नंबर, ठीक है ना, लेकिन यहां पे ये गलत है। एक्चुअली आपको डेसिमल प्लेस तक नहीं निकालना है, जो ये ऊपर क्वेश्चन है ना, ये नेचुरल नंबर होना चाहिए,
किस टाइप का नंबर होना चाहिए? एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। क्या होता है नेचुरल नंबर ये आपको पता होगा, ठीक है। जो हम काउंटिंग में नंबर्स यूज करते हैं वे नंबर्स, अब वे नंबर निकालने के लिए हमें डेसिमल प्लेस तक नहीं निकालने हैं, हमें सिर्फ नेचुरल नंबर निकालना। अब जैसे मान लो हमने 5 को डिवाइड किया 2 से, ठीक है ना, एंड 2 2s are 4। अब यहाँ पे आपका रिमाइंडर 1 आया, तो ये रिमाइंडर 1 आया मतलब ये जो ऊपर जो है ये जो नेचुरल नंबर 2 आ रहा है बस यहीं तक आपको डिवाइड करना है, पॉइंट नहीं लगाना है आपको, ठीक है। तो इस केस में रिमाइंडर है आपका 1। अगर रिमाइंडर देखेंगे तो आपका रिमाइंडर आ रहा है 1, तब आप फाइंड आउट कर पाओगे कि जो 5 है दिस नंबर इज नॉट कंप्लीटली डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे ये 5 जो है वो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है। अब आते हैं, तो अगर हम पूछें कि 5 एक इवन नंबर है या नहीं है, तो यहां पे लिखेंगे 5 इज नॉट एन इवन नंबर। क्यों? क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 5 इज नॉट डिविजिबल बाई 2, ठीक है ना। दस नॉट एन इवन नंबर, नॉट एन इवन नंबर, ठीक है, ये तो क्लियर है आपको। इसके बाद आते हैं कि अगर जो है सपोज करो यहां पे एक आपको डेफिनेशन मिल गई कि वे नंबर्स जो 2 से पूरी तरीके से कट जाए, रिमाइंडर जिनका 0 आ जाए, वे नंबर्स होते हैं इवन नंबर, ठीक है। अब दूसरा अगर इसका डेफिनेशन देखे, डेफिनेशन नंबर 2, ठीक है ना, तो उस केस में क्या होगा, अगर हम देखें तो अगर 2 की टेबल पढ़ी जाए 2 1s are 2, ठीक है ना, तो वे सारे नंबर जो 2 के मल्टीप्लीकेशन में आते हैं वे सारे इवन नंबर होते हैं। जैसे मैंने 42 का एग्जाम्पल लिया था, तो आप जानते हैं 21 को अगर मल्टीप्लाई करें 2 से तो क्या आएगा, 42। तो 42 इज ऑल्सो द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टेबल 2। अगर 2 की टेबल 21 बार पढ़ी जाए तो हमको 42 मिल जाता है। तो यहाँ पे एक दूसरी डिफिनेशन भी आप समझ सकते हो कि जो है 2 के जो मल्टीप्लीकेशन में जितने भी नंबर्स आते हैं वे इवन नंबर होते हैं। अभी मैं सिर्फ इवन नंबर की बात कर रहा हूं। अगर हमने दूसरा डिजिट लिया था 5, अब 2 के टेबल में 5 कभी भी नहीं आता, ठीक है, 2 1s are 2, 2 2s are 4 और उसके बाद 2 3s हो जाता है 6, मगर 5 नहीं आता है, ठीक है। तो ये जो नंबर है वो इवन नंबर नहीं है। तो एक दूसरी डेफिनेशन हो जाती है आपकी कि नंबर्स दैट आर फाउंड इन द मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ 2 इज नोन एज इवन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे दो डेफिनेशन हो गई, पहली वे नंबर्स जो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, यानी रिमाइंडर 0 जहां पे आता है, ठीक है, कोशेंट आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो ऐसे केस में जो नंबर होते हैं वो इवन नंबर होते हैं। डेफिनेशन 2, कि 2 की टेबल में आने वाले सभी नंबर्स इवन नंबर होते हैं, ठीक है। अब आते हैं तीसरे डेफिनेशन पे, ठीक है ना, डेफिनेशन नंबर 3 पे। अब इसमें क्या है कि अगर सपोज करिए कि मैंने आपसे कहा कि हमारे पास 5 स्टिक्स हैं, हमने 5 का जिक्र किया था, 5 स्टिक्स हैं, ठीक है ना, और यू हैव टू डिवाइड इंटू 2, तो आप क्या करोगे, मान लो फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन है, तो आप 2 and 2 इक्वली डिवाइड कर दोगे, ठीक है ना। लेकिन इसके बाद 2 plus 2 is equal to 4 और यहाँ पे स्टिक्स हैं 5, तो आपका तब भी एक स्टिक्स बच जाएगी। मीन्स कि आप 5 को बिल्कुल इक्वली 2 पर्सन में डिवाइड नहीं कर सकते, तो इस केस में 5 इज नॉट एन इवन नंबर, ठीक है। अगर वही हम ले लें 42 स्टिक्स, ठीक है ना, कोई भी स्टिक्स ले लीजिए, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, और इसे 2 पर्सन में इक्वली डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन, ठीक है, तो आप 21 एक पर्सन को दे देंगे और 21 1% देंगे, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो आपका
रिजल्ट आएगा 42. दिस मीन्स डेट अगर आपके पास 42 स्टिक्स हैं तो आप उसे इक्वली टू पर्सन में डिवाइड कर सकते हो. मीन्स 42 इज इक्वली डिवाइडेड बाई टू. तो यहाँ पे अगर 42 में अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 0. हमारे पास कोई स्टिक्स नहीं बच रही है, दोनों कंप्लीटली इक्वली जो है दो भागों में बांटे जा सकते. तो यहाँ पे 42 जो है आपका वो है इवन नंबर, ठीक है ना. ये तीन तरीके से आपका डेफिनेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है. अब आते हैं ऑड नंबर पे. ऑड नंबर के केस पे क्या होता है कि ऑड नंबर वे नंबर्स होते हैं जो टू के मल्टीप्लिकेशन टेबल में नहीं आते हैं, पहला डेफिनेशन. दूसरा, जो टू से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं, जिस मतलब अगर हम टू से डिवाइड करें जिसमें क्वोशेंट जो है नेचुरल नंबर है, और अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आता है, जीरो के अलावा और कोई नंबर आता ही नहीं, रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचता है, ऐसे कंडीशन में वो नंबर्स ऑड नंबर कहलाते हैं, ठीक है. जैसे हमने ऊपर जो एग्जाम्पल लिया था 5 का, तो हमने 5 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर आता है 1, ठीक है. तो इस केस में ये रिमाइंडर बच रहा है, यानी इवन नंबर का जस्ट उल्टा. वे नंबर्स जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं तो वे नंबर सारे ऑड नंबर कहलाते हैं. तीसरा, आप ये कह सकते हो जो नंबर इवन नहीं है वो सारे ऑड नंबर्स हैं, ठीक है. तो यहाँ पे भी आपका तीन डेफिनेशन बन जाता है. पहला, कि वे नंबर्स जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं वे कहलाते हैं ऑड नंबर, ठीक है. जो नंबर्स इवन नंबर नहीं है वे सारे ऑड नंबर हैं, और ऑड नंबर्स जो होते हैं वो 2 की मल्टीप्लिकेशन टेबल में नहीं आते. जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है. अगर आप इस 2 की टेबल पढ़ें तो इसके अलावा और आगे जितना इनफाइनाइट तक का, अनंत तक का, अगर 2 की टेबल आप पढ़ते जाएं, वे नंबर्स जो इनकी 2 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में नहीं आते सारे जो है वो ऑड नंबर्स होते हैं. ये सारे नंबर्स ऑड नंबर्स होते हैं, ठीक है. अब आते हैं जो थर्ड वन है वो है प्राइम नंबर. प्राइम नंबर्स के केस में क्या होता है कि प्राइम नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो ओनली वन और स्वयं अपने नंबर से डिविजिबल हो, ठीक है ना. सपोज करिए कि जो है हमारे पास एग्जांपल है 5 का, ठीक है ना. तो 5 अगर हम देखें तो इसको हम डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, 2 से डिवाइड तो होता नहीं है, एक ऑड नंबर भी है. आप जानते हैं 5 इज ऑड नंबर क्योंकि 2 से कंप्लीटली ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऑड नंबर है, ठीक है. लेकिन हमें ये भी फाइंड आउट करना है कि क्या ये 5 जो है प्राइम नंबर भी है, ठीक है, ये प्राइम नंबर है या नहीं है. तो इस केस में हम ये देखेंगे कि जो है जो हमारा जो डेफिनेशन है प्राइम नंबर का वो ये है कि जो नंबर्स एक या खुद के नंबर से केवल डिवाइड होते हैं, किसी और नंबर से नहीं, तो वे सारे नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर्स. तो 1 से तो सभी नंबर्स डिवाइड हो जाते हैं, 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, तो सारे नंबर्स 1 से डिविजिबल हैं, ठीक है ना. अब ये देखना है कि क्या 1 के अलावा 2, 3, मतलब आप 5 - 1 कर लें तो आपको 4, ठीक है ना. तो 2, 3 एंड 4 ये आपके पास नंबर्स आते हैं 1 को छोड़कर, 2, 3 एंड 4. उसके बाद आपका 5 आ जाता है जो ये खुद अपने में स्वयं 5 है, ठीक है ना. अब यहाँ पे 2, 3, 4 से हम इसे डिवाइड करके देखते हैं क्या ये पूरा डिविजिबल है. तो अगर 2 से करें नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, ये 5 से होगा. तो डेफिनेशन के आधार पे जो 1 या 5 से डिवाइड होने वाले सारे नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स. तो इस केस में देखा जाए तो 5 इज अ प्राइम नंबर. ऑड नंबर तो है ही, साथ में ये एक प्राइम नंबर भी है.
तो अगर आपसे पूछे कि फाइव कैसा है तो आप लिख सकते हो फाइव इज बोथ ऑड एंड प्राइम नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो जो है आपका जो फाइव जो है वो ऑड नंबर और प्राइम नंबर दोनों है। लेकिन अगर आपसे मैं दूसरा एक डिजिट लेता हूं वो है नाइन। ठीक है, हमें पता है कि नाइन टू की मल्टीप्लिकेशन टेबल में नहीं आता है, और दूसरी परिभाषा के अनुसार अगर नाइन को हम टू से डिवाइड भी करने की कोशिश करते हैं तो टू फोर या एट, यहाँ पे एट आता है, नीचे बनता है रिमाइंडर जीरो। इस केस में भी देखें तो नाइन इज नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाई टू, तो ये टू से डिवाइड नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे नाइन इज नॉट एन इवन नंबर, तो इवन नंबर के जस्ट अपोजिट जितने भी नंबर होते हैं वो सारे ऑड नंबर होते हैं, तो नाइन इज एन ऑड नंबर। ठीक है ना, अब अगर हम देखें कि क्या नाइन प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर है नो। अब क्यों नहीं है ये देखना है हमको। ठीक है, तो हमने कहा हमारे डेफिनेशन है कि वन से डिवाइड, तो वन से तो डिवाइड हो जाए पहला, तो जो कंडीशन है ये ट्रू है, वन नाइन से नाइन कंप्लीटली डिवाइड देगा। लेकिन नाइन माइनस एट, सॉरी नाइन माइनस वन इज इक्वल टू एट, यानी टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन एंड एट लास्ट वन। ठीक है, तो इन नंबरों को से हम देखेंगे अगर इन किसी भी नंबर से अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो मीन्स कि ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन कहती है कि दिया गया नंबर सिर्फ एक से या खुद के नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, किसी और नंबर से नहीं। टू से डिवाइड करेंगे इस नंबर को नहीं डिवाइड होगा, लेकिन थ्री से अगर आप डिवाइड करके देखोगे ना तो ये थ्री थ्री जै नाइन पूरा डिविजिबल है, कंडीशन यही फेल हो जाती है आपकी। यहाँ पे थ्री थ्री जै हो गया नाइन और यहाँ आ गया जीरो, तो मतलब कंडीशन ये फ्रेम फिर फेल हो गई, तो ये जो है प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो नाइन इज एन ऑड नंबर बट नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक, इसी तरह से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम ले लेते हैं थर्टीन का। ठीक है, अब 13 जो है टू की टेबल में नहीं आता, तो ये तो इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, क्योंकि जो इवन नंबर नहीं वो ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, अब आते हैं ये चेक करते हैं कि क्या ये प्राइम नंबर भी है। तो हम 13 माइनस वन यानी 12, अब टू से लेके गिनती में थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, इन सभी नंबरों से हम इसे जो है कोशिश करते हैं डिवाइड करने की। अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है मीन्स कि ये प्राइम नंबर नहीं है, तो टू से डिवाइड करने पे भी ये डिवाइड नहीं होगा, थ्री से भी नहीं होगा, फोर से भी नहीं होगा, फाइव से भी नहीं होगा, सिक्स से भी नहीं होगा, सेवन से भी नहीं होगा, एट से भी नहीं होगा, नाइन से भी नहीं होगा, टेन से भी नहीं होगा, इलेवन से और ट्वेल्व से नहीं होगा। अब ये खुद के नंबर यानी थर्टीन से ही डिविजिबल होगा, तो कंडीशन वन, वन से तो डिविजिबल है ही, साथ में सिर्फ अपने नंबर से डिविजिबल है, थर्टीन यानी वन एंड थर्टीन इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से ये थर्टीन जो है ऑड नंबर होने के साथ साथ प्राइम नंबर भी है। ठीक है ना, तो जो हमने अभी तक डिस्कशन किया उसमें ये पाया है कि अगर जो है कोई नंबर इवन नंबर नहीं है तो वो ऑड नंबर है, लेकिन वो प्राइम नंबर है ऐसा जरूरी नहीं है। सारे प्राइम नंबर्स ऑड नंबर हो सकते हैं। ठीक है ना, जैसे आपका मैंने 5 और 13 का एग्जांपल लिया, ये प्राइम नंबर थे लेकिन ये ऑड नंबर भी थे। ठीक है ना, सारे प्राइम नंबर्स ऑड नंबर होते हैं, लेकिन जो अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकती है, तो यहाँ पे अभी मैं एक और एग्जाम्पल देने जा रहा हूं कि सारे नंबर्स में एक नंबर ऐसा भी है जो प्राइम नंबर नहीं है, इवन नंबर है। ठीक है ना, तो प्राइम नंबर ऑड नंबर हो सकते हैं लेकिन ऑड नंबर प्राइम नंबर जरूरी नहीं है कि हो। जैसे इन केस अगर नाइन का हम एग्जांपल लें तो ये एक ऐसा ऑड नंबर है जो प्राइम नंबर नहीं है,
तो प्राइम नंबर ऑड नंबर होते हैं, लेकिन ऑड नंबर प्राइम नंबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने एक बात अभी आपसे कही है कि कुछ जो है प्राइम नंबर्स ऑड नंबर भी, सॉरी इवन नंबर भी हो सकते हैं। अगर हम एग्जांपल ले टू का, ठीक है ना, और प्राइम नंबर के दोनों कंडीशन को इस पर अप्लाई करके देखें, ठीक है ना, प्राइम नंबर के, तो प्राइम नंबर का कंडीशन है कि वन या ये टू से डिवाइड होनी चाहिए कंप्लीटली। तो इस कंडीशन में आप देखिए वन टू जै टू कट जाते हैं, और फिर टू वन जै टू अपने ही नंबर से कटता है, कोई और नंबर से नहीं कट रहा है। तो मीन्स कि ये भी जो है दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो टू इज एन इवन नंबर एंड ऑल्सो प्राइम नंबर, मतलब टू एक ऐसा नंबर है जो इवन है और साथ में भी प्राइम है, ठीक है ना। इसके अलावा कोई भी ऐसा जो है नंबर नहीं है जो इवन भी हो और प्राइम भी हो। क्यों? क्योंकि टू की मल्टीप्लिकेशन में जितने भी नंबर्स आते हैं, अगर उनको आप देखेंगे तो वो खुद के नंबर से तो कटते ही कटते हैं, साथ में टू से तो डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पे सारे कंडीशन जो है फेल हो जाते हैं प्राइम नंबर के, क्योंकि प्राइम नंबर कहता है वन और खुद के नंबर से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ से तो खुद टू से ही डिवाइड हो जा रहे हैं, टू थ्री जा सिक्स डिवाइड हो जाए, तो ये प्राइम नंबर्स नहीं है। तो टू इज ओनली अ नंबर दैट इज इवन एंड ऑल्सो अ प्राइम, बाकी जितने भी नंबर हैं वे प्राइम नंबर वे ऑड और प्राइम हो सकते हैं, ठीक है ना। ऑड नंबर प्राइम नंबर हो सकते हैं, ठीक है, बट सॉरी प्राइम नंबर सारे ऑड नंबर हो सकते हैं, लेकिन ऑड नंबर प्राइम नंबर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। जैसे मैंने नाइन का एग्जांपल लिया, अगर नाइन देखिए ये ऑड नंबर बट प्राइम नंबर नहीं है। इसके अलावा 27 ले लीजिए, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो इसे 1 और 27 से डिविजिबल होना चाहिए केवल, लेकिन ये 3 9 27 और 9 3 27, तो 3 और 9 से भी ये डिवाइड हो जा रहे हैं, इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। तो ऑड नंबर प्राइम नंबर ये जरूरी नहीं है, लेकिन प्राइम नंबर ऑड नंबर होते हैं एक्सेप्ट जो है टू को। दो एक ऐसा नंबर है जो इवन है और साथ में प्राइम भी है, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। यहां पे अगर मैं कुछ नंबर्स दे दूं, ठीक है, तो इसमें अब मैं पूछूं कि इवन है या प्राइम है, तो यहां पे टू जो होगा वो आपका इवन प्लस प्राइम है, अगर 13 है तो ये ऑड प्लस प्राइम भी है, दोनों टाइप के नंबर हैं। अब लेकिन जो 15 अगर देखा जाए तो ये जो है ऑड नंबर है बट नॉट प्राइम नंबर है, ठीक है ना, सिर्फ ऑड नंबर है। क्यों? क्योंकि 15 इज डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ पे 15 जो है एक ऑड नंबर है। तो ये है आपका डेफिनेशन कि अगर इवन ऑड और प्राइम नंबर आपको निकालना हो तो आपको ये तीनों डेफिनेशन को फॉलो करना होगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, क्वेरी जरूर करिए, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्लास है उसमें एग्जांपल्स लेकर मैं इवन प्राइम और ऑड नंबर क्लियर कर दूंगा, ठीक है। इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं।